अगर आप लोग जैन यूज करते हैं 100 GB पोस्टपेड पैकेज, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। हो सकता है अगर आप यूज करते हो, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अच्छी बात है, अगर ध्यान नहीं दिया है तो मैं आप सभी को इसमें बताने वाला हूँ कि क्या अच्छी बात है, आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है इसके अंदर। जो 100 GB पोस्टपेड पैकेज सिम है उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है जैन की ओर से, और आपका इसमें क्या फायदा हो सकता है। अगर आपने ध्यान दिया है तो ठीक है, नहीं ध्यान दिया है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको क्या और कितना बेनिफिट मिल रहा है उसी रेट में, जो कि आपका पहले का जो पैकेज है उसी रेट में आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। आप देख रहे हैं अमान टेक कोड, मैं जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप जैन पोस्टपेड सिम जो 100 GB का पैकेज था उसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको शायद पता होगा कि जैन ने उसे अपडेट करके 120 GB पैकेज कर दिया है। तो चलिए हम यहां पर आपको दिखा देते हैं कि कितना बैलेंस है। आज 28 तारीख है और आज यहां पर आप देखते हैं जो हमारा बैलेंस है 119 GB बचा, यानी कि हमने तकरीबन इसमें से 1 GB इस्तेमाल किया है रात से अब तक की। तो यहां पर आप इसका बैलेंस चेक कर सकते हैं कि 119 GB बचा है, और इसका बिल भी आपको दिखा देते हैं कि इस टाइम पर कितना बिल आ रहा है। तो यहां पर आप इसकी बिल अगर चेक करेंगे तो यहां पर 103.95 रियाल है, और इसका जो एक्चुअल प्राइस यानी कि 99 रियाल आपका करंट बिल आ रहा है, और 4 रियाल इसमें टैक्स ऐड है। तो हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कि आखिरकार इसमें आपको किस तरीके से इसकी कंफर्मेशन मिल सकती है कि इसका जो बिल है वो कितना है और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना है। तो यहाँ पर नीचे जो लिंक है इस पर आप क्लिक कर दीजिए, या फिर इस लिंक को कॉपी करके किसी दूसरे ब्राउजर पे हम ओपन करते हैं ताकि सही तरीके से ये ओपन हो जाए। अगर इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली, अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो ये सफारी पे डायरेक्टली ओपन होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो स्लिप है यानी कि जो इनवॉइस है, जो इसका फतूरा का जो बिल का स्टेटस है, वो यहाँ पर सही तरीके से ओपन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं कि उसकी वेबसाइट पे लेके जाता है जैन की, और वहाँ पर हमें कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसकी जो करेक्ट बिल है यानी कि इनवॉइस जो इसकी स्लिप होती है, वो सही तरीके से नहीं देखने को मिल पा रही है। तो हम इसका जो लिंक है उसे कॉपी करके और क्रोम पे ओपन करेंगे तो वहां पे सही तरीके से इसकी जो बिल की इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाती है। तो चलिए हम कॉपी कर लेते हैं इसकी लिंक को, और लिंक कॉपी करने के बाद में हम ओपन करते हैं इसे गूगल क्रोम में, जहां पर हम आपको सही तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो चलिए लिंक पे थोड़ी देर टैप करके रखिए, और यहां पर आप देखते हैं कॉपी करने का ऑप्शन आ चुका है, हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं, और किसी भी एक नए टैब को ओपन कर लीजिए या फिर किसी पुराने टैब पर रहिए, और यहाँ पर उस लिंक को हम पेस्ट कर देते हैं। लिंक को पेस्ट करने के बाद में जैसे ही हम सर्च के ऑप्शन या फिर गो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इसकी सारी की सारी डिटेल आपके सामने एक इनवॉइस यानी कि जैसे कि फतूरा होता है जो बिल मिलता है, उस तरीके से आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। कितने जीबी का पैकेज है, कितना बिल है और कितना बिल आया है, कितना आपने जमा किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेज B2C MBB 120 GB, और ये जो ब्रॉडबैंड नंबर है उसका है, और यहाँ पर इसकी जो एक्चुअल बिल है 103.95 रियाल, इसका जो एक्चुअल प्राइस है विदाउट वेट के 99 रियाल है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो बिल है, आप चाहें तो जो बिल है आपका उस पर आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कितना बिल है, कितना ड्यू है, कितना पेमेंट है, बाकी है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको या फिर आपके फ्रेंड को कुछ भी बेनिफिट हो सकता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी हूँ लाइव या फिर अपलोड करूँ कोई नई वीडियो को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले, और आप वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ में।